I am Advocate Masood Peshimam from Kalyan, giving a bite to Mr. Farooq Sultan Sheikh, who is the media in charge of Human Rights Commission under the banner of United Nations Organization for the Maharashtra state. I am very thankful and express my deep sense of gratitude to him. आज का मौजू है हमारे मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती। मैं एक शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मताहे लौहो कलम छीन गई तो क्या गम है, मताहे लौहो कलम छीन गई तो क्या गम है, के खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने, ज़बां पे मोहर लगी तो क्या के रख दी है, हर एक हलके जंजीर में ज़बां मैंने। आज आप देखते हैं कि हमारे मुल्क का एक बड़ा मसला बढ़ती हुई फिरका परस्ती है। वी सी दैट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड कम्युनलिज्म इज गेनिंग वेरी कैटास्ट्रॉफिक, वेरी डेंजरस एंड वेरी अलार्मिंग अपसर्ज। और इस ज़िम्न में इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए, फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, हर इंसान में गलतियाँ होती है, हर ग्रुप में गलतियाँ होती है, हर माशरे के सेगमेंट में द फ्लॉज एंड फाइबल्स, द ब्लेमिशेस, द शॉर्टकमिंग्स प्रिवेल विथ एवरी इंडिविजुअल and at the larger context with the society, with the every segment of the society. लेकिन एक इसको नज़रअंदाज करके एक particular community को target किया जा रहा है झूठे propaganda से। हम पाँच, हमारे 25, all distorted and fake information। इनको इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है, दैट द लायबिलिटी टू द नेशन। अब जहाँ मुल्क की बात आती है तो आई डिक्लेयर बाय बीट ऑफ ड्रम, मैं बबांगे दोहल इस ऐलान की हिम्मत करता हूँ, हम इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम इसी से पैवस्त हैं, हमें जीना और मरना यही है, हमारी इस मुल्क से मोहब्बत किसी से कम नहीं है, वी आर वेरी मच अटैच टू दिस सॉइल। और वो लोग जो नेशनलिज्म का और एंटी नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटते जा रहे हैं, दे एडमायर the philosophy and logic of Nathuram Godse, the killer of Gandhi। दुनिया में इज्जत गांधी की है, ग्लोबल लेवल पे गोडसे को नहीं, गांधी को माना जा रहा है। तो आप ये देखते हैं कि ये जो कम्युनल अपसर्ज है, इसको जो काउंटरवेलिंग फोर्सेस अपोजिशन के भी, ये भी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। जो इफेक्टिव रोल पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट के बाहर होना चाहिए था, वो नहीं है। उसके बाद एक अफसोस की बात ये हो रही है, इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंस गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो है, दे आर लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी। वी आर नॉट कास्टिंग अस्पर्शंस ओवर द गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, लेकिन क्या हो रहा है, हिंदुस्तान का जस्टिस सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन,
और जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो जितने इफेक्टिव होना चाहिए था उतने नहीं रहे, क्रेडिबिलिटी इज़ बिंग लॉस्ट, और कुछ मामला जो है हालात की तर्जुमानी एक शेर से हो रही है, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, मुझे यकीन था कि कसूर मेरा ही निकलेगा। उसके बाद आप देखते हैं कि और एक शेर हालात की तर्जुमानी कर रहा है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब देखिए ये जो टॉक्सिक क्लाइमेट इज़ बीइंग क्रिएटेड, पॉइजनस ऑर्डर, सोशल ऑर्डर इज़ बीइंग क्रिएटेड, और एज ए कॉन्सिक्वेंट अपॉन डैट मॉब लिंचिंग वॉज वेरी मच ऑन द अपसर्ज, एंड देर वॉज नो सीरियस एफर्ट टू रिस्ट्रेन द मॉब लिंचिंग। क्यों हो रहा था सब ये? किसी कम्युनिटी का, किसी ग्रुप का, या कुछ लोगों के मोरल को डाउन करने के लिए, ताकि दे शुड नॉट एक्सप्रेस द वॉइस ऑफ डिसेंट। ये वॉइस ऑफ डिसेंट जिसको बोलते हैं, जमहूरियत में इसकी बहुत ज़रूरत है, और ये मामला कुछ ऐसा ही था। जो और एक शेर मुझे याद आ रहा है, सितम की रस्में बहुत थी लेकिन न थी तेरी अंजुमन से पहले, सज़ा खताए नज़र से पहले, इताब जुर्मे सुखन से पहले, जो चल सको तो चलो कि राह वफा बहुत मुख्तसर हुई है, मकाम है अब कोई ना मंजिल फराज़े दारो रसन से पहले। मामला ये डिसेंट को, और आप देखते हैं अब वो किसानों का मामला चल रहा है, उनके डिसेंट को भी क्रश करने के लिए कभी खालिस्तानी कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, इज ऑल डिस्टॉर्टेड एंड फेक इन्फॉर्मेशन। तो आप देखते हैं इसकी नज़ीर जो है वो जर्मनी में हिटलर से मिलती। हिटलर ने क्या किया था, बिफोर अनलिशिंग द वेरी कैटास्ट्रॉफिक ऑनस्लॉट अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ जेनोसाइड द ऑनस्लॉट ऑफ होलोकास्ट, ही कंटिन्यूड टू माउंट दी distorted and fake information about the Jews. Germans were brainwashed to believe what Hitler said by beat of drum. और बड़े अफसोस की बात यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन तो इसराइल से काफ़ी प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन the same United States, European nation and Great Britain did nothing to prevent the अकरेंस ऑफ जेनोसाइड इन जर्मनी एट द हैंड्स ऑफ हिटलर। आज आप देखते हैं हिटलर को कोई अच्छे नाम से याद नहीं किया कर रहा है, हिटलर को तारीख में सुनहरी अल्फाज से नहीं लिखा जा रहा है, वेदर इट इज़ मुसोलिनी और हिटलर, इनको लोग कंडेम ही कर रहे हैं। तो ये लोग देखिए, समाज को आज प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, जब प्यार मोहब्बत होगी तो आपके जो इश्यूज़ हैं, आपका इशू अनएम्प्लॉयमेंट है, आपका इशू इकोनॉमिक डिक्लाइन है, आपका इशू राइजिंग क्राइम है रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, आपका इशू जो है वो महंगाई आसमान को छूती जा रही है, आपका इशू जो गरीब लोग जो है सब स्टैंडर्ड लिविंग जी रहे, ये मुल्क के इशूज़ है, और बाकी जो कम्युनल इश्यूज है दे आर इनसिग्निफिकेंट। अब ये जब इनसिग्निफिकेंट इश्यूज व्हेन दे डोमिनेट, व्हेन दे ओवरशैडो द रियल इश्यूज, तो क्या हो जाता है कि आपकी तवज्जो हट जाती है। ये जो नॉन इश्यूज है, कम्युनल इश्यूज है, ये हमारे मुल्क की तरक्की में बाधा है, दे क्रिएट स्टम्बलिंग ब्लॉक इन मार्च टू द प्रोग्रेस, दे क्रिएट एन इम्पेडिमेंट टू अचीव द नेशनल प्रोग्रेस। आज हमको मुल्क को सफ़े अव्वल में लाना है, आज हमारे मुल्क की तरक्की करना है, वी हैव टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परमेंट, आपका साइंटिफिक टेम्परमेंट
कम्युनल इश्यूज के साथ नहीं आएगा। तो एक शेर भी याद आ रहा है, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। तो आज हमको प्यार और मोहब्बत की फिज़ा कायम करनी है, माशरे में सुकून लाना है, और जब माशरे में सुकून लाएंगे हम एक ही ख़ानदान और एक ही परिवार के लोग, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब एक हैं। हमको प्यार और मोहब्बत से इस मुल्क में रहना है, जब प्यार और मोहब्बत से रहेंगे तो मैं समझता हूँ खुशहाली का दौर दौरा होगा। आखिर में मैं फारूक शेख साहब का मैं इजहार तशक्कुर करता हूँ कि ये बम्बई से आए, एंड आई अप्रिशिएट हिम दैट ही हैज़ गॉट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ अनस्टिंटेड डिवोशन एंड डेडिकेशन टू द सोशल कॉज। मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। सर मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब मीडिया का रोल क्या, अभी भारत में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको कैसा रहना चाहिए और क्या रोल निभा रहा है, फिर उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? मीडिया का जो रोल है वो अच्छा नहीं है। मीडिया इज रादर प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ डिसहार्मनी एंड एनिमिटी। मीडिया जो है, देखिए दो टाइप के मीडिया हो गए, एक मीडिया तो वो हो गया है कि विच इज़ प्लेइंग द साइकोफेंसी कार्ड, और दूसरा मीडिया जो है जो कुछ जिरते रिंदाना करके बोल रहा है, तो उसको जो है वो इट इज़ बेयरिंग द ब्रंट ऑफ इट। तो आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया है, मीडिया का जो रोल है हमारे मुल्क में वो इट इज़ रादर डिस्करेजिंग, इट इज़ रादर डिसअपॉइंटिंग, और इट इज़ रादर और एब्सोल्युटली नॉन सेटिंग। तो मैं समझता हूँ मीडिया जो है, और आज उसका हाँ, दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, इट इज़ माई पर्सनल पीस ऑफ एडवाइस दैट मीडिया शुड प्ले द पॉजिटिव रोल, इट शुड नॉट प्ले द साइको, इज नॉट सपोज टू प्ले द साइकोफेंसी कार्ड। इफ मीडिया इज प्लेइंग द पॉजिटिव रोल, इट विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लिबरल वैल्यूज। तो मीडिया जो है अगर अच्छा रोल अदा करता है तो गवर्नमेंट की या जहाँ माशरे में खामियाँ हैं वो सामने आएंगी। तो मीडिया ने सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, इट शुड रिमेन अनबायस्ड अनप्रेजुडिस्ड, और मीडिया जब रोल अच्छा अदा करेगा तो मैं समझता हूँ समाज में एक सुधार होगा। मीडिया, लेट मीडिया चैम्पियन द कॉज ऑफ सेकुलरिज्म, लेट मीडिया चैम्पियन द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, लेट मीडिया बी दी अर्डेंट वोटरी ऑफ और अर्डेंट चैम्पियन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एट ऑल। लास्टली आई थैंक मिस्टर फारूक सुल्तान शेख, थैंक यू वेरी मच।